हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। इसके पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये जितने भी नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके मदद से आप जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हैं नोट्स की हेल्प से। ये आपके जो नोट्स बने हुए हैं मेरे, ये आपके एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो चीजें देखेंगे गवर्नमेंट आके होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, किस कितने लेवल्स पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है, और गवर्नमेंट जो है हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्निंग बॉडी दैट मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी होती है जो हमने चूज करी हुई होती है, और वो क्या करती है, वो डिसीजंस हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और हमारे लिए जो भी चीजें करते हैं हमारे वेलफेयर के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज कर लिए तो उनका काम क्या हो, गवर्नमेंट का काम जैसे हमारे रोड बिल्डअप करना, कोई इंपॉर्टेंट लॉज लेके आना, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की होती हैं। और ये सारी चीजें जो जैसे लॉज हो गए जैसे, तो वो किस चीज के लिए लेके आएंगे, वेलफेयर के लिए ही लेके आएंगे हमारे लिए। रोड बना रहे हैं तो वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जिससे सिटीजन्स जो है आराम से ट्रेवल कर सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी का एग्जाम्पल लेते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वैक्सीन लगवानी है, ठीक है, तो क्या है, वेलफेयर ही कर रहे हैं वो, वैक्सीन हमारे यहाँ पे बन रही है और लोगों को लग रही है, तो वेलफेयर ही हो रहा है एक टाइप से कि जो भी कोविड की डिसीज होगी उससे हम क्या है बच सकें। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, तो लोग वैक्सीन जाके लगवा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो जैसे जो लोग लगवा रहे हैं जाके, तो गवर्नमेंट ने जैसे आदेश दिया तो उन्होंने वैक्सीन को सारा रिसर्च की, सारी चीजें करी और फिर उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। तो ये वेलफेयर हमारे सिटीजन्स के लिए हो पा रहा है, जिससे हम क्या कोविड की ये जो वेव्स आ रही है उनसे बच सकें, कोविड जितने जल्दी खत्म हो सके, तो गवर्नमेंट इसकी ऐसे डिसीजंस ले रही है, तो वो वेलफेयर के लिए लेती है हमारे। वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, अब हमने देखा डिसीजंस लेती है, वेलफेयर करती है, अब क्या क्या वेलफेयर करते हैं जैसे वो देखेंगे हम। टू मेक लॉज एंड प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजन अगेंस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, कुछ कुछ लॉ बनते हैं जिससे क्या है कि वो सिटीजन्स के लिए सपोर्ट कर सके, और अगर कोई भी ग्रुप है वो डिस्क्रिमिनेशन से निकल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे, उसके लिए तो उसको क्या है वो अगेंस्ट उसके कुछ लॉज बना सके। तो ये सारी चीजें होती है। डिस्क्रिमिनेशन मैं पहले आपसे बता चुकी हूँ, भेदभाव होता है कि हम दो कुछ लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं, काले गोरे के में लोग भेदभाव करते हैं, तो हमारे यहाँ पे लॉ बना गया कि कोई भी काले गोरे में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो ये लॉ किस चीज के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ बन रहा है। सेकंड, मेंटेनिंग पीस, अब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ बनेंगे या कोई भी ऐसे लॉ बन रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रहे हैं वो एक पीस को मेंटेन करने के लिए बना रहा है। कंट्रोल क्राइम, हर चीज का क्राइम कंट्रोल करने के लिए भी बना रहा है। प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्रीज की जो भी बाउंड्री है, जिससे शेयर करती है हमारी कंट्री बाउंड्रीज, उनसे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हुए हैं। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स ओपन है हमारे लिए, और वैक्सीन है जैसे एक देखा जाए तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी वो भी आता है कि जैसे वो हमारे लिए वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, तो क्या है कि हम लोग का वेलफेयर ही हो रहा है उसमें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द इमरजेंसी असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। जैसे जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट क्या इमरजेंसी पावर भी लेके आती है, जिससे क्या है वेलफेयर हो सके। जैसे अफेक्टेड पीपल पे जो भी चीजें हुई हैं, जो भी उन पे अफेक्ट हुआ है उस डिजास्टर की वजह से, तो उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ चीजें कर सके, उनके कुछ इमरजेंसी पावर भी लेके आते हैं उस टाइम पे नेचुरल डिजास्टर होता है। जैसे अगर मान लो कहीं पे भी बाढ़ आ रही है तो इमरजेंसी तुरंत लगा दी जाती है उधर से कि सिटीजन्स की तुरंत उधर से निकाला जाए और कोई सेफ जगह पे लेके जाए, तो वो एक इमरजेंसी पावर है जहां से लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर उधर पे जो भी एरिया में जो भी नुकसान होता है तो लोगों को पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे वो अपना फिर से एक्टिविटीज पे स्टार्ट कर सके। तो गवर्नमेंट जो है नेचुरल डिजास्टर में भी काफी हेल्प करती है हमारी। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल्स होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल मतलब जैसे हम लोकल लेवल देखते हैं तो विलेज और म्यूनसिपालिटी, ये लोकल लेवल में आते हैं। जैसे विलेज में भी जो होती है तो ये सारे लोकल में आते हैं। स्टेट में जैसे जो हर एक चीज, हर एक
स्टेट होता है उसकी अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल मतलब पूरी देश की होती है, सेंट्रल पावर जो होती है वो पूरी देश की होती है। तो ऐसे गवर्नमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लॉज एंड गवर्नमेंट, कि आप क्या है, गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरी वन हु लिव इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। अब गवर्नमेंट जो भी लॉज लेके आती है तो वो इंसान के वेलफेयर के लिए तो लेके आती है, और इंसान, हर एक इंसान को वो लॉ फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड है, गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक द मेक एंड एनफोर्स डिसीजन। क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, पावर होता है टू मेक डिसीजन और एनफोर्स कर सके कि इस डिसीजन को आप फॉलो करिए, जो मैंने आपको डिसीजन लिया है, मैंने आपके बिहाफ पे, आपने मुझे इलेक्ट किया है, मैंने आपके बिहाफ पे एक डिसीजन लिया है, अब आप सबको वो फॉलो करना है, वो एनफोर्स भी कर सकती है सबके लिए। इट इज अ पीपल हु गिव गवर्नमेंट दिस पावर बाय वोटिंग देम। अब कैसे है, गवर्नमेंट के लिए इतनी सारी पावर्स मिली है, तो कैसे मिली उनके लिए, उनके लिए ये पावर्स मिली है हमने क्योंकि उनको चूज किया है, और चूज कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। हमने वोट किया है कि हमें ये रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा, तो हमने वोटिंग के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पीपल हैव अ पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। पीपल के पास क्या पावर है जिससे वो अपने क्या है लीडर्स को इलेक्ट कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और दूसरी पार्टीज हो गई, तो आपके पास जब वोट करने के लिए आप जाते हैं तो मशीन होती, तो मशीन में आपके लिए कोई एक बटन प्रेस करना पड़ता है जिसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी का बटन दबाएंगे, कांग्रेस को तो कांग्रेस का सपोर्ट दबाएंगे, अगर आप कोई अदर पार्टी को सपोर्ट करना है तो आप उसका बटन दबाएंगे। तो क्या है कि हम जिसका भी बटन दबा रहे हैं तो क्या है, उस बटन को क्लिक करने से हम उस इंसान को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जीत जाता है तो वो हमारे बिहाफ पर क्या करेगा, वो रूल करेगा। तो मतलब हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है कि हम अपने लीडर को क्या है चूज कर रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, जैसे हम इलेक्ट कर रहे हैं बाय क्लिकिंग द बटन। ठीक है, तो ये चीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसमें जो है लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन होता है जिसको हम इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कहते हैं, तो उस पार्टिसिपेशन के थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है वो हमारे एंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजन लेता है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अंदर जो है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट कर रहे हैं बट क्या प्रोसेस है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो इसमें क्या होता है कि ऑल द अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। 18 से ऊपर या 18 जो होती है इसमें एज रखी जाती है, जो लोग इसमें इलेक्ट करते हैं मेरी रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अगर मेरी 18 से नीचे एज है तो मैं वोट देने के लिए नहीं जा सकती, मैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर सकती। अगर मेरी 18 से ऊपर एज है तो मैं जा सकती हूँ वोट देने के लिए। ये एक सिटीजन का राइट होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें काफी स्ट्रगल लगे थे हमारे, काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इसको भी रखा गया था फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। तो आप जैसे 18 के ऊपर हो जाते हैं तो आप भी वोट देने के लिए जा सकते हैं। इसके आगे मैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है इस पूरे चैप्टर में तो आप प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।